हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। आइए कुछ क्वेश्चंस करें। This must be a cakewalk for all of you. ये all of you, the assumptions क्या क्या हैं, जो जो assumptions हैं वो follow हो रहे हैं यहाँ पे। तो जरा आइए, क्या 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 follow हो रहे हैं। Assumptions का मतलब f should be continuous on the interval -1, 1 and f is differentiable on the interval open interval -1, 1 और इसके साथ साथ एफ वन और एफ माइनस वन बराबर है। ये तीनों चीजें गिवन है ना, एजम्पशन का तो ये मतलब है, तीनों चीजें गिवन है। जब ये तीन गिवन है तो उठा के पुट करके देख लो। आना जरा इधर, एक एक करके देखते हैं, शायद हमें जरूरत भी ना पड़े। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट भैया, कॉन्टिन्यूस है आपका फंक्शन -1, 1 पे, तो दिस इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूस है 0 पे। अगर 0 पे कॉन्टिन्यूस है तो जितना एफ 0 प्लस उतना ही एफ 0 माइनस, यहाँ तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी हमें। So this implies f zero plus, इधर zero डालिए तो you will get 1 minus, okay let me write, into 0 plus q, उसमें डालो 0, 1, तो what is the value of q? हाँ, ये तो बड़े आराम से आ गया, आ तो गया। उसके बाद number 2, हाँ जी, differentiable भी है और ये function भी बहुत बढ़िया है। पहला 1 plus x, भी अगर साथ दीजिए, q का value 1 है, तो ये बन जाएगा 1 minus, आज बहुत questions किए आपने ऐसे। मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, सो दिस विल बी ठीक है ना, देखना जरा ठीक से मल्टीप्लाई किया है नहीं। हाँ ठीक है, सो दिस इज फॉर एक्स लेस देन 0 एंड दिस इज फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। लुक एट द कंपोनेंट्स, क्या ये दोनों कंपोनेंट्स बहुत बढ़िया हैं? अरे हैं या नहीं है भाई, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लीजिए। ये आपका वन आएगा इधर से, यहाँ से क्या आएगा, पी माइनस 2px माइनस 1, एक्स लेस देन 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। आई थिंक क्वेश्चन ही खत्म हो गया। डेरिवेटिव 0 प्लस में या डेरिवेटिव 0 माइनस में, माइनस में बराबर होना चाहिए। व्हाट इज एफ डेरिवेटिव 0 प्लस पी माइनस 1, पी माइनस 1 एंड व्हाट इज एफ डेरिवेटिव 0 माइनस, सो p माइनस 1 तो p 1 होना चाहिए, यानी p कितना हो गया आपका, आराम से हो गया, कुछ करना ही नहीं हो गया। यस
क्वेश्चन लिखिए और जरा सोच समझ के कीजिएगा। हम एक सेकेंड देयर इज नो रूट ऑफ डेरिवेटिव पी डैश बिटवीन टू रियल रूट्स ऑफ पी देयर इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द डेरिवेटिव पी डैश बिटवीन टू रियल रूट्स ऑफ पी There is exactly one root of the derivative p dash between two consecutive roots of p. There is at least one root of derivative p dash between any two consecutive, between any two. सोच समझ के करिए, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है ऑल ऑफ यू। देखिए कल इतनी मेहनत से आपने किया था रॉस थ्योरम फॉर पॉलीनोमियल्स, तो आप इमोशनल हो गए कि वही स्टेटमेंट आ गया होगा, वो है ही नहीं यहाँ, वो इधर है ही नहीं। हमने क्या किया था कल, बैक गियर जो लगाया था क्या था वो, बिटवीन एनी टू कॉन्जेक्यूटिव रूट्स ऑफ डेरिवेटिव देर इज एटमोस्ट वन रूट ऑफ द फंक्शन, ये पॉलीनोमियल, ये किया था हमने कल, वो है नहीं यहाँ पे, देख के लग रहा है वही है बट नहीं है। तो ये सीधे सीधा स्टेटमेंट है भाई रॉल्स थ्योरम का, ये जो सामने लिखा है, व्हाट इज द स्टेटमेंट, यस पी एक्स कोई पॉलीनोमियल है, मान लीजिए इसके दो रूट्स हैं आपको पी ए जीरो और पी बी जीरो, तो भैया बाय रॉल्स थ्योरम क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा, सच दैट बोलो पी डेरिवेटिव एट सी जीरो, यानी बिटवीन एनी टू रूट देर इज एटलीस्ट वन रूट। और पिक्चर देख लो अगर देखना चाहे देख लीजिए, दिस इज ए दिस इज बी, इन पे आपका फंक्शन जीरो है, तो जीरो तो भैया ऐसे भी हो सकता है, ये पी एक्स हो गया, और जीरो बनाना ही है अगर आपको जबरदस्ती, तो जीरो तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ ना, इतने सारे रूट्स आ गए आपके पास, तो स्टेटमेंट एकदम क्लियर ही होना चाहिए पहले वाला, देर इज नो रूट। अरे भैया अब नो रूट वाले बच्चे थोड़े ना रहे हम, रूट तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा देर इज एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन दिख रहा है आपको, ये भी गलत हो गया। थर्ड देर इज एग्जैक्टली वन रूट ऑफ डेरिवेटिव पी डैश बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स, अगर ये मान भी लिया जाए कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो भी इनके बीच में डेरिवेटिव के ज्यादा रूट्स तो हो ही सकते हैं, ये भी गलत है। ऑब्वियसली चौथा ही करेक्ट है, चौथा ही करेक्ट है, फोर्थ पार्ट करेक्ट, यहाँ देना कुछ और चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सिंपल सी चीज दे दी। यस स्टूडेंट्स, हाँ जी, आर यू लिसनिंग, देखिए दिस मस्ट बी अ केक वॉक, बहुत आसान क्वेश्चन है, हाँ जी
वैनिश का मतलब साफ, जीरो। हाँ जी, क्वेश्चन में तो कुछ लग नहीं रहा, आप जबरदस्ती क्वेश्चन में, मतलब देखिए ये दिया हुआ है एफ जीरो इज एफ वन, सो रॉल्स थ्योरम लगाएंगे। बोलिए रॉल्स से क्या मिलेगा? देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू जीरो वन सच दैट, बोलो भाई कब बोलोगे, एफ डेरिवेटिव एट अल्फा कितना हो जाएगा आपका? जीरो। साथ में बैठे ही है साथ देने के लिए, साथ ही साथ निभाना। लो आगे साथी। हाँ जी, यहाँ से क्या कर सकते हैं, फिर से रॉल्स आ गए भाई साहब, रॉल्स रॉयस। मेरे पास है एफ डेरिवेटिव अल्फा बराबर एफ डेरिवेटिव जीरो। हाँ जी, देयर एग्जिस्ट बीटा, रॉल्स थ्योरम लगाइए इधर। अरे कब लगाओगे भैया, सच दैट। फरमाइए, ये तीसरी या चौथी बार आ रहा है इस तरह का क्वेश्चन, आपकी जिम्मेदारी है इसे पहचानना। तो ये करेक्ट है, ये बकवास, ये भी बकवास और ये भी बकवास, खाली थर्ड पार्टी करेक्ट है। ठीक है जी, रेडी फॉर नेक्स्ट, हो गया ना? चलो अगला क्वेश्चन करो। देखिए इसमें तो कुछ सिर पैर नहीं समझ में आ रहा है, बाकी हमें एफ जीरो दिया हुआ है और एफ वन पूछ रहे हैं। सो एफ जीरो माइनस एफ वन, एफ वन माइनस एफ जीरो, प्लीज अप्लाई एलएमवीटी, लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम ऑन विच इंटरवल, कुछ और तो हमारे को दिख नहीं रहा है, तो जीरो वन पे अप्लाई कर देते हैं। इसी पे क्यों, आप चुपचाप देखिए। देयर विल एग्जिस्ट अ पॉइंट अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो वन सच दैट, जो एफ डेरिवेटिव अल्फा होगा उसका वैल्यू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, F1 minus F0 divided by 1 minus 0. अच्छा ये था, so this is F derivative alpha equal to F1 तो पूछा ही उसने, ये 0 divided by 1 minus 0. So that means what is the value of F1, किसके बराबर है? F derivative beta या alpha? I think question खत्म ही हुआ, समझो, समझ ही गए आप। जैसे ही आप इसका mod लगाएंगे, इसका mod अपने आप लग जाएगा, जो सारे पॉइंट्स पे इसने डेरिवेटिव तो बोल ही दिए है ना, जब सब पॉइंट्स पे मॉडुलस 5 से लेस है तो इसका मॉडुलस भी 5 से लेस होगा। सो ये प्रॉपर लॉजिक है, मॉड ऑफ एफ वन लेस देन इक्वल टू 5। यस, रियल एनालिसिस कहाँ लाई करेगा ये? सो दिस इंप्लाइज एफ वन लाइज इन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा समझदारी से करिएगा।
क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाईलाइट करके रख लीजिएगा इसको। यस स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को। ऑप्शंस लिख लिए या यस लिख लिए तो ऑप्शंस। इसमें आपको क्या करना है या इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, जितना भी आपने डेरिवेबिलिटी में काम किए हैं, प्लीज सी रॉल्स डार्बुक्स एंड आपका एलएमबीटी। इसमें से रॉल्स थ्योरम ऐसा है जो आपको डेरिवेटिव का रूट दे देता है ना, ऐसे ही है तो रूट दे रहा है, मतलब इन तीनों में से लास्ट वाले में ही रूट मिल रहा है आपको, सॉरी बीच वाले में रॉल्स थ्योरम में रूट मिल रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे बना सके, मतलब अगर आप गिवन फंक्शन को किसी के डेरिवेटिव के रूप में एक्सप्रेस कर सके तो अब हो जाएगा ना रॉल्स थ्योरम से। अंधेरे में तीर चलाया जा रहा है, चल जाएगा। लेकिन ये बताइए, अगर ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो फंक्शन क्या हो, इंटीग्रल करके बताओ ना क्या होगा। हाँ तो हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर रूट मांग रहे हैं तो रूट कहाँ कहाँ आता है, एक तो क्वांटिटी में ऑपोजिट साइन थ्योरम, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस में ऑपोजिट साइन थ्योरम रूट देते हैं, और यहाँ आपको रॉल्स थ्योरम से रूट मिल जाएगा डेरिवेटिव का ऑब्वियसली। कभी कभी डार्बुक से मिल जाता है, उसमें डार्बुक में तो ये देखना पड़ता है ना कि दो डेरिवेटिव वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्टली तो ये भी नहीं अप्लाई होगा, अभी तो ये अप्लाई हो जाएगा आई थिंक। तो ये अगर आपने गिवन फंक्शन को डेरिवेटिव में एक्सप्रेस कर लिया तो आपका काम हो गया। हाँ जी, अगर वो डेरिवेटिव है किसी एफ एक्स का तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, इंटीग्रल करके बताइए, बोलो ना भैया। और कॉन्स्टेंट नहीं ऐड करोगे, बस हो गया। टेल मी, ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है, द पॉलिनोमियल इन फ्रंट ऑफ अस बीइंग अ पॉलिनोमियल, इज इट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यस। इज इट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, यस। द पहला पॉइंट, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, अभी देखिए चुपचाप, एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो ओपन पे भी होगा। हाँ जी, नंबर टू, व्हाट इज एफ जीरो, डालो उसमें, अरे क्या आएगा एफ जीरो भाई, डी। What is F1? हाँ जी, धन्यवाद, घर पे बैठ के चिंतन मनन करना है, क्या हो गया है। What is A plus B plus C? कितना गिवन है, तो ये क्या आ गया, हाँ हो गया, बैंड बच गया, F0 F1 के बराबर आ गया, लगा ये रोल्स तेरा। F0 equal to F1, that is by Rolle's theorem, what will happen? कहाँ थे हम, बाय रॉल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एन अल्फा, या एक्स नॉट ले लीजिए क्योंकि एक्स में लिखा है, दैट इज डेरिवेटिव, तो आप समझिए क्या आएगा इसका। सो थ्री ए एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस टू बी एक्स नॉट प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना, वही चीज है, बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को क्या करना है। यहाँ मैंने दो तीन चीजें समझाई थी आपको, अगर रूट चाहिए तो रूट कहाँ कहाँ से आता है, सारे रिजल्ट्स रिकॉल कर लीजिए, ऑपोजिट साइन थ्योरम है, ये तो रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम में फंक्शन का रूट नहीं मिलता है, डेरिवेटिव का मिलता है, तो गिवन इक्वेशन को डेरिवेटिव में एक्सप्रेस करके निकल जाता है, अपने आपको इंक्लाइन करना पड़ेगा सोल्यूशन की तरफ। करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हाईलाइट कर लीजिएगा भाई, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत मास्टरपीस है। हेलो, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, कोई बेचारों की आवाज निकल रही, हाँ जी निहारिका जी, रिदम जी, विशु जी, आर यू देयर, अच्छा मतलब इंडिविजुअली पूछेंगे तब आप आंसर देंगे, ठीक है ठीक है, ये करिए।
ये लास्ट प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम प्लीज दोनों को अच्छे से कर लेना, खूब टाइम लगाइएगा, देखिएगा क्या किया है, कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। यस, यहाँ तो कुछ सिर पैर ही नहीं समझ में आ रहा, सिवाय इसके कि आपका ये पी ए और पी बी जीरो है बस। अगर पी ए पी बी जीरो है तो पी डेरिवेटिव एट सम पॉइंट, पी डेरिवेटिव एट अल्फा जीरो आ जाएगा, बट ये तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे? देखिए ये तो नहीं कर पाएंगे यार, जब तक कोई कराएगा नहीं आपको तो नहीं कर पाओगे। Define a new function, gx equal to, वहाँ पे 100 अलग से दिख रहे हैं, so e raised to power 100x into fx, px जो भी function दिया हुआ px, क्या फायदा होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, px differentiable है being a polynomial और exponential भी differentiable है, तो ये differentiable है। अच्छा, इसका भाई देखो जरा ध्यान से देखो, what is ga? Please answer करिए क्या आएगा? e raised to power 100a along with PA, PA तो जीरो था, ये what is GB? E raised to power 100B into PB, PB तो जीरो है, हाँ, तो इसके दो roots आ गए, अब इस पे लगाओ, क्या लगाओगे? इसके ऊपर लगाना है, so there is a point x naught belongs to AB such that, किसका derivative जीरो होगा भाई, P का या G का? सर हमारी जान छोड़ो, जी डेरिवेटिव एक्स नॉट इज जीरो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ जी? वैल्यू कैन सी, सो दैट मींस इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 100x एज इट इज, और यहाँ पी डेरिवेटिव एक्स प्लस पी एक्स एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वो खुद, और जब पावर का अलग से करेंगे तो आप 100 आएगा, और ये पूरा आपको एक्स नॉट पे लिखना है। जब ये आपने x नॉट पे लिखा तो यू विल गेट e 100 x नॉट p x नॉट डेरिवेटिव, इस पूरी इक्वेशन में e रेज टू पावर 100 x नॉट दिख रहा है आपको, पूरी इक्वेशन को e रेज टू पावर 100 x नॉट से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा? e रेज टू पावर 100 x नॉट, साफ साफ समझ में आ गया आपको? इसको घर पे बैठ के देखना कि क्या क्या है यहाँ पे, तो वेल यू कैन सी 100 की जगह कुछ और आएगा तो क्या करेंगे, है ना, वो तो देखना पड़ेगा। मान लीजिए वहां 50 होता या 10 होता तो अकॉर्डिंगली यू शुड चेंज, और इधर प्लस की जगह क्या माइनस भी हो सकता है, यू शुड सी।